एक गांव में एक मियां बीवी उलमा से बड़ी मोहब्बत करते थे, खास तौर पर अपने मस्जिद के इमाम साहब से। साल में एक दो मर्तबा तो जरूर दावत देते, घर बुलाते, एक मर्तबा तो कंपलसरी। मैं आप बुरा ना समझे तो कहूंगा, इन तमाम बातों पर अमल करो, घर आफात तो बलियात से बचेंगे, मुसीबतों से बचेंगे। अगर अल्लाह ताला ताकत दिया है, उलमा को अपने घर बुलाओ, लेकिन मंजर रत्ती छोड़ डालो। बोल क्यों तो चाहने वाले ज्यादा, हजरत तुम्हें बोले ना हजरत हमें बुला रही, ना हजरत तुम्हें की नहीं आ रही, ना हजरत बोल कर रहे। मैं लॉकडाउन में भी मसरूफ रहता हूँ, इंशाल्लाह तब हालात ख़त्म हो जाएंगे ना, तब इंशाल्लाह डेयरी में तारीख आ देता हूँ, तब बुलाओ। लेकिन अपने मोहल्ले में रहने वाले उलमाए किराम की खातिर तवज्जो, दावत दिए। मौली साहब तो मालूम ना आपको दावत छोड़ती क्या, नहीं छोड़ते, दावत गए इमाम साहब, दस्तरखान बिछा, गौर से सुनो आज उम्मत का क्या हाल है। दस्तरखान शोहर बिछा रहा था, जाता किचन को चीज़ें लाकर रखता, अचानक 500 2000, मिसाल बोल रहा हूँ सर, 500 2000 के नोटा उड़को आको दस्तरखान में बैठ गए, पड़ गए। बाजू के मेज में रखे थे, हवा जोर का आई, उड़को आए। खैर इमाम साहब उसे उठा लिए, दावत गिवत हो जाने के बाद इमाम साहब चले गए मौलाना। दस्तरखान विस्तरखान उठा देने के बाद घर की बीवी औरत बोली, यहाँ पैसे रखी थी दिखते नहीं ना, रख को गई सो, तुम्हें ही मैं हूं। इमाम साहब आए, इमाम साहब तो एक काम नहीं करेंगे, तुम्हें उठा सोती दे डालो, क्यों तो मियां बीवी एक दूसरे आपस में एक दूसरे के पैसे उठा लेते, सोचते नहीं उठाते क्या, एक ही चकदमी के पैसे उठाते नहीं, किसके कहते मोदी अंकल के, कि तो उठाने वाली नहीं रही तो कहां उठाएंगे। शौहर बोले, अल्लाह की कसम बेगम मैं नहीं उठाया, अब तुम्हें नहीं उठाए, मेरे पैसे तो मैं चुरा नहीं सकती, अब कौन, मौलाना। आहा, कितनी अकीदत थी ना मौलाना से, हम ना 5 वक्त नमाज पढ़ाने वाले आलिम हाफिज, अगर पूछते तो हमें दे डालते थे, ये काम नहीं करना था मौलाना। बाद में बीवी बोली, छोड़ो जी क्या परेशानी की, आदमी जब मजबूर हो जाता नहीं, कभी कभार ऐसे काम कर देता है। हर चोर चोर नहीं होता, बास चोर मजबूर भी होते हैं, उन्हें चुराना बोलकर नहीं चुराते, मजबूरी में आकर चुरा लेते, उनकी वो सजा नहीं जो सजा चोर चुराते। इसके अंदर एक वाकया आया, मैं आइंदा जुमा आपके सामने अर्ज करूंगा इंशाल्लाह। बीवी बोली, छोड़ो पूछो न, क्या मजबूरी थी की, और गलती हमारी है, हमें भी पूछना मौली साहब को क्या हालात चलते हैं बोलकर। खैर मौलाना दावत खाकर बैठे थे, मेजबान पूछ ही दिया, मौलाना एक साल से एक बात खटक रही है, पूछूं ना पूछूं, साल बीत गया, अगर मैं पूछूं तो आप बुरा ना समझना। मौलाना बोले, आराम से पूछिए। मौलाना गुज़िश्ता मर्तबा आप दावत को आए थे याद है, मौलाना ने कहा, दावत क्या आइटमा याद ही। हाँ मौलाना गुज़िश्ता मर्तबा जब आप दावत को आए थे
यही जगह पर एक मेज था जो अब भी है। हाँ, यहाँ मेरे बीवी के कुछ रुपये रखे हुए थे। आपके आने से पहले वो रुपये मेरी बीवी ने यहाँ रखे और आपके जाने के बाद वो रुपये गायब हो गए। आप तो आलिम हैं, आपको मालूम हो जाएगा कि क्या घर के अंदर जिन्नात भी हैं जो पैसे उठाते हैं। आपके जाने के बाद पैसे चले गए। उस वक्त से लेकर हमारे दिल में आपके बारे में कुछ पैदा हो गया कि हमारे घर आकर मौलाना ने पैसे उठाए, ये सुनना था। मौलाना की आंखों में समंदर आ गया, रोने लगे, हिचकियां लगी, मेजबान परेशान हो गया। बीवी पर्दे से इशारा करने लगी, बोली नहीं क्या जी? नहीं। पूछ कर मौलाना को शर्मिंदा न करो, हमारे घर में मेहमान आए और शर्मिंदा होकर जाए, रो कर जाए, वो भी एक आलिमे दीन आए और शर्मिंदा होकर जाए, वो घर कैसे, वो घर कैसे बरकत वाला हो सकता है जिस घर का मेहमान रोता हुआ जाए। मौलाना के हाथ पकड़कर मेजबान माफी मांगने लगा कि मौलाना, मेरे सवाल से अगर आपको तकलीफ पहुंची है मैं माफी चाहता हूं। सवाल से भी ये उम्मत किसी को तकलीफ देना नहीं जानती, इसीलिए मैंने अंग्रेज गैर मुस्लिमों के अंदर ये अखलाक देखे। एक मर्तबा फ्लाइट में बैठा था, बाजू की सीट वाले ने मुझसे पूछा, आप कौन, क्या, किधर? मैंने पूरी तफसीलात सुनाई। उसके बाद उसने मुझसे पूछा, आपके डैडी क्या करते हैं? मैंने कहा कि हमारे डैडी भी गुरु थे, जो इस वक्त नहीं रहे, इंतकाल हो गया उनका, मर गए वो। तो फौरन उसने आई एम सॉरी कहा। क्यों कहा? मैंने तुम्हारे अब्बा को याद करके, तुम्हें याद दिलाकर जो तकलीफ पहुंचाई है, इसकी मैं माफी चाहता हूं। क्या अखलाक है ये अखलाक हमारे! आप किसी और के पास चले गए। मेजबान हाथ पकड़कर माफी मांगने लगा, मौलाना, मेरे सवाल से अगर आपको तकलीफ पहुंची, आप शर्मिंदा हुए हैं, मैं माफी चाहता हूं। मौलाना ने कहा, माफी मांगने की जरूरत नहीं, तुम्हारे सवाल से मैं शर्मिंदा नहीं हुआ और ना ही मैंने पैसे उठाए। सुनो, कुरान से हम कितना दूर हो गए। अगर ऐसा ही हाल रहा, डर होता है कि कहीं हमारे बच्चे बड़े होने तक कोरोना हमारा पीछा ना छोड़े। हमारे बच्चे बड़े होने तक कोरोना और कोरोना के नाम की साजिशें हमारे पीछे न छोड़े। मौलाना ने कहा, मैंने शर्मिंदा हुआ और ना मैंने आपके पैसे उठाए, मुझे ये रोना इसलिए आया। फौरन मौलाना उठे, उठकर ताक में रखा हुआ कुरान उठाए, उसका पहला सफ़ा खोलकर बताए कि ये देखिए आपके पैसे। असल में वो पैसे उड़कर आए दस्तरखान में। मैंने सोचा कि इधर उधर रखूं तो फिर कहीं और उड़कर चले जाएंगे, इस घर में तो शायद कुरान रोज़ाना पढ़ा जाता है। मैंने कुरान के पहले सफ़े में रख दिया ताकि जब भी कुरान खोलेंगे तो पैसे नज़र आ जाएंगे। अब पता चला कि इस घर में कुरान खुल के एक साल हो गया। अगर आप उसी दिन या दूसरे ही दिन कुरान खोल लेते, आपके पैसे मिल जाते, एक साल से मेरे खिलाफ में आपके दिलों में शक को शुबा ना होता। आज टिकटॉक के बंद होने पर नौजवानों, तुम्हें अफसोस है, तुम्हारे घर का कुरान बंद है, तुम्हें कभी एहसास हुआ? खोल कर को तो देखो, कुरान खोल कर को तो देखो। अल्लाह अकबर कबीरा, आज हम कुरान से दूर हो गए।